चलिए, गुड मॉर्निंग। क्या चल रहा था हमारा? पंचायती राज, है ना। चलिए, तो उसका आज पार्ट टू है। देखिए, उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में हमने? कहां तक पढ़ लिया था? 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 तक देख लिया था, ठीक है। उसकी पूरी हिस्ट्री समझ में आ गई थी आपको, क्या बैकग्राउंड था, कैसे पंचायती राज स्टार्ट हुआ था और क्या क्या हुआ था, बाकी चीज समझ में आ गया था। चलिए देखिए, हमने यहां तक देख लिया था कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब आया था? संविधान संशोधन 73, संविधान संशोधन 1992, जिसके तहत क्या प्रावधान रखा गया था बताइए, क्या प्रावधान किया गया था? महिलाओं को, जो वुमेन थी, उनको 33% ये 1/3 रिजर्वेशन की बात की गई थी, आरक्षण की बात की गई थी, ठीक है। और 73वां संविधान संशोधन लागू करने वाला पहला राज्य था वो कौन था? मध्य प्रदेश था। इसके तहत क्या किया गया था? पार्ट या भाग 9 को जोड़ा गया था, बताया था ना, जिसमें अनुच्छेद या आर्टिकल कौन से, आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ तक के बारे में मेंशन है, ये वर्णन है, ठीक है, पढ़ा था। और पार्ट 9 जोड़ा गया, और पार्ट 9 के साथ जो हमारी शेड्यूल होती है, जो अनुसूची होती है, तो जो शेड्यूल था, ये जो अनुसूची थी, वो 11वीं जोड़ी गई थी, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें ये प्रावधान किया गया था कि इसमें कितने विषय, 29 सब्जेक्ट या 29 विषय के बारे में बात की गई थी पंचायती से संबंधित। ये सब चीज चेंजेस आए थे, ठीक है, क्लियर, यहां तक हमने देख लिया था। अब चलिए, अब 73वां संविधान संशोधन के तहत अब ये संवैधानिक हो चुका था, और बलवंत राय मेहता कमेटी के स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत का गठन करने की बात कही गई थी, ठीक है। अब वो त्रिस्तरीय क्या बनाया गया था, और थ्री टायर सिस्टम, वही हमें आगे देखना है। चलिए तो देखिए, अच्छा एक चीज और मुझे बताइए कि ये जो लागू हुआ था, ये किस डेट में हुआ था बताइए, राष्ट्रपति के साइन कब हुए थे, राष्ट्रपति के सिग्नेचर कब हुए थे बताइए, क्वेश्चन पूछता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर या सिग्नेचर कब हुए थे? 20 अप्रैल 1993, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए भारत में, और इसके बाद क्या बोलोगे, भारत में लागू हुआ, जो इनेक्ट हुआ, भारत में लागू हुआ, कब हुआ लागू? 24 अप्रैल 1993 में, समझ में आ रहा है। इसलिए हम इस दिन क्या मनाते हैं, पंचायत दिवस, राष्ट्रीय पंचायत दिवस, नेशनल पंचायती डे, समझ में आ रहा है। और इसके बाद हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा में, मध्य प्रदेश विधानसभा में कब रखा गया था इसको, मध्य प्रदेश विधानसभा में 30 दिसंबर 1993 को रखा गया था। अब यहां पे भी राज्यपाल के सिग्नेचर होंगे, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के हस्ताक्षर या सिग्नेचर होंगे, कब होंगे, 24 जनवरी 1994, और मध्य प्रदेश में लागू हो गया था ये 25 जनवरी 1994 से, क्लियर। अलग अलग डेट पूछता है, ये वाली डेट भी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी और ये भी, यहां तक हमने ये सब कुछ देख लिया था, क्लियर। चलिए अब आगे देखिए, थ्री टायर सिस्टम की बात की थी, जो बलवंत राय मेहता थी उनकी, हमने जो कमेटी ने सिफारिश करी थी थ्री टायर सिस्टम, उसको पूरे देश ने अपनाया। तो जो थ्री स्तर थे, थ्री टायर सिस्टम थे, वो कौन कौन से थे, थ्री टायर सिस्टम या त्रिस्तरीय व्यवस्था किसकी थी, ये बताइए, त्रिस्तरीय किसकी थी, किसने सिफारिश की थी, बलवंत राय मेहता ने, कब आई थी, 1956 और 1957, ठीक है। चलिए तो ये त्रिस्तरीय में इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि एक ग्राम पंचायत होनी चाहिए,
ग्राम, पंचायत होनी चाहिए, समझ में आ रहा है? क्या होनी चाहिए? ग्राम, एक ग्राम पंचायत होना चाहिए। दूसरा इन्होंने बोला था क्या? जनपद पंचायत होनी चाहिए, जनपद पंचायत। जनपद पंचायत को और भी बहुत से नाम से जाना जाता है, एक बोला जाता है ब्लॉक, ठीक है, एक बोला जाता है विकास खंड, और एक बोला जाता है यूपी साइड अगर आप जाओगे तो तालुका। ये सब एक ही है, ठीक है, जनपद पंचायत, ठीक है। समझ में आ रहा है? और तीसरा इन्होंने क्या सिफारिश की थी कि एक होना चाहिए जिला पंचायत। ये त्रिस्तरीय बता दिया इन्होंने, इसकी सिफारिश करी थी, एक ग्राम पंचायत होनी चाहिए, एक जनपद पंचायत होनी चाहिए और एक जिला पंचायत होनी चाहिए, ठीक है। अब ये कैसे बनती है, इन्होंने कैसे डिसाइड किया? तो जनसंख्या या पॉपुलेशन के आधार पर, कि जहां पर 1000 जनसंख्या होगी हम वहां पे क्या करेंगे, ग्राम पंचायत बना देंगे। जहां पर कुछ ग्राम पंचायत, मतलब 4-5 ग्राम पंचायत को मिलकर जहां पे 5000 जनसंख्या होगी तो हम क्या करेंगे, जनपद बना देंगे, ब्लॉक बना देंगे, विकास खंड बना देंगे, तालुका बना देंगे। और जब 50,000 जनसंख्या होगी जहां पर, मोर देन 50,000, वहां पर हमने क्या बना देंगे, जिला पंचायत का गठन कर देंगे। समझ आ रहा है? तो पहला लिखिए, ग्राम पंचायत में सबसे पहले 1000 से अधिक जनसंख्या, 1000 से अधिक जनसंख्या, मतलब जो ग्राम पंचायत बनती है, जनपद पंचायत बनते हैं, वो किसका, उसका जो मेन आधार रहता है, जो उसका जो मेन आधार रहता है वो किसका रहता है, बताइए, जनसंख्या पर डिपेंड करता है, ठीक है, पूछे। तो 1000 जनसंख्या अगर हो जाएगी तो हम क्या बना देंगे, ग्राम पंचायत। अब मान लो दो गांव है, ए और बी, कोई दो गांव है और जहां पे 500-500 आबादी है दो गांव में, तो वो 500-500 दो गांव को मिला के एक ग्राम पंचायत बना दी जाती है, मगर जनसंख्या होनी चाहिए कितनी, 1000। तीन गांव भी शामिल हो जाते हैं, ठीक है। और आपने कभी वेस्ट बंगाल में सुना होगा, तो वहां पे जैसे यहाँ पे एक स्तरीय, दो स्तरीय, त्रिस्तरीय, तो वहां पे चतुर स्थिति भी मिलता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो समझ आ रहा है, अगर 2 से 3 गांव भी हो गए जहां पे 1000 जनसंख्या हुई, वहां पे हम क्या बना देते हैं, एक ग्राम पंचायत बना देते हैं, ठीक है। अब जाओगे तो वहां पे लिखा भी रहता है, छोटे छोटे कार्यालय होते हैं वहां पे, ग्राम पंचायत लिखा भी होता है और किस किस का है उसका भी वर्णन रहता है, कितने गांव को मिलकर बना है। समझ में आया? बस जनसंख्या होनी चाहिए 1000। इसके बाद हम जनपद अगर देखा जाए तो जनपद कैसे, ऐसे कई गांव 5 से 6 जितने भी है, मतलब जनसंख्या, मतलब 5000 जनसंख्या अंदर जितने भी गांव बन रहे हैं उनको मिला के हम क्या बना देंगे, जनपद पंचायत। तो 5000 से अधिक जनसंख्या में क्या बना दिया हमने, क्या बना दिए, जनपद पंचायत बना दिए। और इसके बाद 50,000 से अधिक, 50,000 से अधिक में हमने क्या बना दिया, 1 हमने जिला पंचायत का निर्माण कर दिया। समझ में आया? अब हमारी ये तो बन गई, अब इनको चलाने के लिए, इनको इसका कार्य करने के लिए हमें किसी कुछ व्यक्तियों की नियुक्ति करना पड़ता है। तो हम जो ग्राम पंचायत होती है, तो ग्राम पंचायत में अब कुछ छोटे छोटे वार्ड बनाए जाएंगे उसके अंदर। आपने वार्ड सुना होगा, आप लोग का जब एड्रेस लिखते हो तब उस पर वार्ड आता है कि नहीं आता, तो उसी प्रकार गांव में भी होता है, शहरों में। यहां पर पंच बोला जाता है, जो वार्ड के हेड होते हैं उनको पंच के नाम से जाना जाता है, और जनपद पंचायत और जिला पंचायत में जो वार्ड के हेड होते हैं उन्हें हम पार्षद के नाम से जाना जाता है। समझ में आ रहा है? तो अब यहां पे वार्ड बनेंगे, वार्ड तो कितने वार्ड रहते हैं यहां पे, तो एक डिसाइड है, यहां से 10 से 20 वार्ड देखने मिलते हैं हमें, 10 से 20 वार्ड देखने मिलते हैं। और यहां पे वार्ड मेंबर जो होते हैं वो चुनाव के लिए खड़े होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं गांव में, पंच। क्या बोलते हैं? पंच। समझ में आ रहा है? और उसी प्रकार जनपद पंचायत में हम आएंगे तो यहाँ पे वार्डों की संख्या अब थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है, तो यहाँ पे आप 10 से 25 कर दीजिए। और यहाँ पे हम बोलने लगते हैं इनके हेड को,
पार्षद लिखा रहता है, पार्षद आपने देखा होगा, ठीक है, हर वार्ड में होता है, समझ आ रहा है। और इसी तरह यहां भी पार्षद बोलेंगे, बस संख्या बढ़ जाती है। तो यहां पे जो वार्ड होते हैं वो कितने होते हैं, 10 से 35, और यहां भी बोला जाता है इनके हेड को पार्षद, समझ में आ रहा है। अब ये पंचों का चुनाव पूछा जाता है, ये जो वार्ड मेंबर होते हैं ये अपने अपने वार्ड से खड़े होते हैं, चुनाव के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व होते हैं, तो इनको चुना जाता है। तो जब वोटिंग होती है एक गांव में तो वो 4 लोग को वोट देता है, ना कि एक को, एक देगा पंच को, दूसरा देगा सरपंच को, तीसरी वोट जाएगी जनपद पंचायत को, और चौथी वोट जाएगी जिला पंचायत को। तो जो आप डायरेक्ट चुनते हैं, जो आप सीधे जाके वोटिंग करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव या डायरेक्ट इलेक्शन। और जिनको आप अपने प्रतिनिधित्व के द्वारा चुनते हैं, मतलब मैंने यहां से क्या, जैसे फग्गन सिंह कुलस्ते जी सांसद है, सांसद है तो वो कौन सा है, मंडला वाले क्षेत्र से वो क्या है, सांसद है। अब सांसद है तो वो लोकसभा से आते हैं, तो लोकसभा का जो चुनाव होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष चुनाव, क्योंकि आप उनको वोट देने जाते हो। मगर बाद में जो पीएम होते हैं, जो देश का पीएम बनता है, प्रधानमंत्री, उसको क्या हम चुनते हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनको हम चुने। ऐसे बहुत से कितनी सीट है हमारे यहाँ पे, उसकी कितनी सीट है बताइए, कितनी है, 500, कितनी है, 552 है, दो एंग्लो के लिए चले जाती है ना, तो 550 सांसद है, तो ये मिलके किसको चुनते हैं, देश का पीएम को, तो वो क्या हो गया, अप्रत्यक्ष चुनाव हो गया। और जैसे संसद के लोग का जो चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव, वो क्या हो गया, प्रत्यक्ष चुनाव हो गया, उसको आप डायरेक्ट जाके चुनते हैं। तो वैसे यहां भी होता है, तो जो पंचों का चुनाव होता है तो ये कैसा होता है, क्वेश्चन पूछता है, प्रत्यक्ष चुनाव, डायरेक्ट इलेक्शन, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, समझ में आ रहा है। पंचों का चुनाव होता है ये डायरेक्ट, मगर जब आप पंचों का वोट देने जाते हो तो एक वोट पंच को जाती है, दूसरी जाती है सरपंच को, तीसरी जाती है जनपद पंचायत को, और चौथा होता है जिला पंचायत को। अभी जो चल रहा है ना ये पंचायत राज, अभी ये इलेक्शन सब एक साथ होंगे। जब आप गांव जाओगे, गांव का आपकी वोटर लिस्ट होगी जहां पे आप वोट देने जाओगे, तो आप ये मत समझिए कि हम अपने गांव के सरपंच को वोट दे रहे हैं। एक सरपंच को वोट जाएगा सबसे पहले, तो पंच को जाएगा, पंच के बाद कौन आएगा, सरपंच। सरपंच का भी चुनाव डायरेक्ट होता है, इसलिए क्वेश्चन आता है कि सरपंच का जो चुनाव होता है वो कैसा होता है, प्रत्यक्ष। आप डायरेक्ट वोट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। इसके बाद हम यहां पे क्या आएंगे, यहां का जो पार्षद है, यहां का पार्षद का चुनाव भी कैसा होगा, प्रत्यक्ष का होगा। तो एक वोट इसकी, एक सरपंच की, 2, तीसरी यहां के पार्षद की, 3, और यहां के बाद चौथे इसके पार्षद की। तो ये जो चारों इलेक्शन है ये प्रत्यक्ष चुनाव के होते हैं, क्योंकि आप एक वोट देने जाते हो और 4 लोग को चुनते हो, समझ में आ रहा है, क्लियर। अब यहां पे भी जो आपने, यहां से तो अलग से जो वोटिंग होती है, ये भी क्या होता है, पार्षद का चुनाव भी क्या होता है, प्रत्यक्ष। क्वेश्चन आता है पार्षद का चुनाव कैसे किया जाता है, तो आप क्या बोलोगे, प्रत्यक्ष की अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट, तो आप क्या बोलोगे, डायरेक्ट। और जिला पंचायत के भी पार्षदों का जो चुनाव होता है वो किससे होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। समझ में आया कि नहीं आया। अब यहां पे आपने प्रत्यक्ष चुनाव किया, तो अब जो यहाँ का जो मेन हेड होता है, जो सरपंच के लिए चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, तो सरपंच, एक सरपंच होता है यहाँ पे, सरपंच, तो सरपंच का चुनाव भी कैसा होता है पूछता है, बताइए कैसा होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। आप उसको डायरेक्ट चुनते हैं ना, तो सरपंच का चुनाव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सरपंच का चुनाव तो हो गया, अब इसके बाद एक और कौन रहता है यहाँ पे, उप सरपंच। जब अगर किसी समय में सरपंच की कोई मृत्यु हो जाए या कुछ आकस्मिक कंडीशन आ जाए, है ना, तो उसकी जगह कौन लेता है, उप सरपंच, और उसका चुनाव 6 महीने के अंदर कराना अनिवार्य है। कोई भी हो, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव भी हो, जैसे राष्ट्रपति जी की अगर डेथ हो जाती है या कुछ भी उनकी कंडीशन होती है, अपने पद को त्याग कर देते हैं, तो उसके अंदर 6 महीने के तक वो पद को भरना जरूरी रहता है। उसी तरह सरपंच भी, अगर सरपंच कुछ कंडीशन आ गई उसके साथ, तो अपने पद को त्याग कर रहा है या उसकी मृत्यु हो गई, तो उस कंडीशन पे कौन रहता है यहाँ पे, उप सरपंच का चुनाव होता है, जो 6 महीने के अंदर कराना अनिवार्य है। तो एक लिख लीजिए उप सरपंच। अब ये बताइए मुझे, उप सरपंच का चुनाव कैसा होता है, उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि एक बार चुनाव हो गया तो हमने सरपंच को तो चुन लिया, मगर अब सरपंच की जब डेथ हो गई तो क्या करते हैं, ये जो पंच को हमने चुना था, ये जो पंच को जिन्हें हमने डायरेक्ट इलेक्शन से चुना था ना, ये वोट देते हैं किसके लिए, उप सरपंच के लिए, और उप सरपंच बन जाता है, इसलिए हम उसको कहते हैं कि ये क्या है, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। समझ में आया, किसके, सरपंच की,
सरपंच के अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, उसकी कुछ डेथ हो जाती है, उसकी जगह में कौन बनता है? उप सरपंच। ठीक है, अब मान लो कि मेरे को बताइए, अगर सरपंच की पद की अगर मृत्यु हो गई, कुछ नियुक्ति हो गई और उप सरपंच अगर बना और उसके बाद अगर फिर से सरपंच का चुनाव हो गया, तो टेन्योर जो होता है सरपंच का 5 साल का होता है, तो उसका टेन्योर फिर से पूरा नया शुरू होगा कि वो 5 साल के अंदर ही काम करेगा, उसी 5 साल के अंदर करेगा। याद रखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगर दोबारा सरपंच का चुनाव हुआ, मतलब अगर कोई सरपंच है किसी गांव का और उसने 2 साल तक वहां पे कार्यकाल कर लिया, अब उसके रिमेनिंग कितने बचे? 3 साल। 3 साल बचे और वहां पे एक नया सरपंच का चुनाव अगर हो गया, तो नया सरपंच का चुनाव हो गया तो वो क्या रिमेनिंग 3 साल ही चुनाव लड़ेगा। ये नहीं कि उसका टेन्योर वहां से 5 साल शुरू हो जाएगा। जबकि भारत के संविधान के राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है कि अगर राष्ट्रपति जी की डेथ हो जाती है और अगर नया राष्ट्रपति आता है, तो उसका जो कार्यकाल वहां से फिर से 5 साल गिना जाता है। समझ में आ रहा है? और अमेरिका में यही अगर प्रणाली देखा जाएगा, तो अमेरिका में जो चुनाव की प्रणाली होती है वो कितने साल की होती है? 4 साल की। तो अगर वहां पे अगर किसी की डेथ हो जाती है, तो उनको सिर्फ स्पेशली 2 साल ही दिया जाता है। फर्क समझ में आया? अगर सरपंच की अगर कोई डेथ हो जाती है और यहाँ पे अगर नया सरपंच नियुक्त होता है, तो जो बचा हुआ कार्यकाल है उसी पे उसको क्या करना पड़ेगा? अपना समय करना पड़ेगा और नया चुनाव होगा। ये यहाँ पे राष्ट्रपति के में अगर पूछे, तो उसका में आप क्या होगा, अगर उसमें अगर किसी राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है, तो उसके लिए वहां से फिर से 5 साल नया टेन्योर गिना जाएगा। और अमेरिका में अगर पूछ ले, तो वहां पे जो टेन्योर रहता है, जो कार्यकाल रहता है, वो 4 साल का रहता है। वहां अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो क्या करोगे? वहां पे सिर्फ 2 साल देता है। समझ में आया? ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, चलिए समझ में आया। तो यहाँ पे उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष। अब यहाँ पे एक सरकारी कर्मचारी रहता है। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि ग्राम पंचायत में एक सरकारी कर्मचारी कौन रहता है, तो क्या बोलोगे? सचिव, जिसे हम क्या कहते हैं? सेक्रेटरी। तो यहां पे लिख लीजिए, एक सरकारी कर्मचारी कौन रहता है? सचिव। ये इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेक्रेटरी। ठीक है, और अब आज का इनके ये क्या करते हैं? पंचायतें का लेखा जोखा का काम करते हैं। लिख लीजिए, ये क्या करते हैं? पंचायत का लेखा जोखा, जो लेखा जोखा वाला काम रहता है ना, वो कौन करते हैं? सचिव करते हैं। और अब सहायक सचिव की भी नियुक्ति होने लगी है। ठीक है, काम के बर्डन के कारण सरकार ने और क्या कर दिया, एक सहायक सचिव की भी नियुक्ति कर दी गई है। ठीक है, क्लियर। एक और लिख लीजिए यहां पे, सहायक सचिव। और ये मुझे बताइए, क्वेश्चन आता है, सरकारी कर्मचारी एक सचिव रहता है, एक गवर्नमेंट का व्यक्ति जो हर ग्राम पंचायत में रहता है, और आजकल पहले इनका ट्रांसफर नहीं होता था, आजकल इनका ट्रांसफर होने लगा है। अब जिस गांव का अगर सचिव है, वो उस गांव में सचिव पद पर नहीं रह सकता। पहले क्या होता था, वो ही रहता था, मगर अब क्या करते हैं, तो उनसे अदर विलेज दे देते हैं। ठीक है, और एक यहाँ पे क्या होता है, एक सहायक सचिव की भी नियुक्ति कर दी गई है। अच्छा, ये बताइए मुझे, सरकारी कर्मचारी जो सचिव रहता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? ग्राम पंचायत की, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कौन करता है? राज्य सरकार। ठीक है, याद रखिए क्वेश्चन आया है, कौन करते हैं इसकी नियुक्ति, इसका अपॉइंटमेंट करते हैं कौन? राज्य सरकार। स्टेट गवर्नमेंट कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। क्लियर, ग्राम पंचायत, समझ में आया है ना? और एक और चीज यहां पे लिख लीजिए, यहां पे एक और रहती है, ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या होती है? ये सर्विलेंस का काम करती है। ये क्या होती है, उसी गांव के वोटर लिस्ट में सबसे वरिष्ठ व्यक्तियों का एक समूह रहता है, जिस गांव में, ग्राम माने सर्विलेंस मतलब क्या होता है, निगरानी। वो क्या करती है, देख रेख करती है कि पंचायत में सरपंच सही काम कर रहा है कि नहीं। जैसे आज अपने यहाँ पे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बनी है, सतर्कता आयोग बना है, कि भ्रष्टाचार से संबंधित अगर कुछ भी हो रही है, तो उस पर निगरानी रखती है। वैसे गांव में सरपंच सही काम कर रहा है कि नहीं, सही मीटिंग बिठा रहा है कि नहीं, तो उसकी निगरानी के लिए एक ग्राम सभा बनती है। और ग्राम सभा में कौन शामिल होते हैं? उसी गांव के वोटर लिस्ट में नाम के सबसे व्यस्त व्यक्तियों का एक समूह रहता है, जिसे हम ग्राम सभा कहते हैं, और जो ग्राम पंचायत के हुए कार्यों पर निगरानी रखती है। समझ में आया? लिख लीजिए इसको एक लाइन में। क्वेश्चन आता है, ग्राम सभा गांव के वोटर लिस्ट में नाम वाले व्यक्ति, गांव में वोटर लिस्ट में नाम वाले व्यक्ति और उसी गांव के सबसे वरिष्ठ व्यक्तियों का समूह को ही हम ग्राम सभा कहते हैं। उसी गांव के सबसे वरिष्ठ व्यक्तियों के समूह को ही हम ग्राम सभा कहते हैं। ठीक है, और लिख लीजिए इसका जो मेन उद्देश्य होता है, इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो क्या होता है? ग्राम पंचायतों के कार्य की निगरानी करना।
ग्राम पंचायतों के कार्यों की निगरानी करना। और ये जो ग्राम सभा की बैठक भी होती है, इसकी जो अध्यक्षता करता है कौन करता है? सरपंच करता है। कौन करता है? सरपंच करता है, ठीक है। और यहां पे लिख लीजिए ग्राम पंचायत, ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक वर्ष में चार बैठक होती है, चार बैठक अनिवार्य है, एक वर्ष में चार बैठक होती है जिसकी अध्यक्षता करता है कौन? उसी गांव का सरपंच। कौन करता है? उसी गांव का सरपंच। समझ में आ रहा है? नहीं नहीं चार अनिवार्य है, चार से ज्यादा हो सकती है मगर चार कंपलसरी, आपको चार बैठक बिठाना अनिवार्य है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा किस योजना के तहत इसको बोला गया था ना, अभी बस यहाँ पे लिख लीजिए। तो ग्राम पंचायत का स्ट्रक्चर आपको क्लियर हुआ, ये ग्राम पंचायत होगी कितनी होगी, 1000 जो पॉपुलेशन होगी तो वहां पे हम ग्राम पंचायत बना देंगे, चाहे उसमें कितने भी गांव आए, हमें मतलब है किससे? जनसंख्या से। वार्ड कितने होते हैं? 10 से 20 वार्ड होते हैं, जिनके हेड को क्या बोलते हैं? पंच। और पंच का चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसके बाद यहाँ पे एक क्या सरपंच होते हैं जिसका भी चुनाव क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। और एक होता है उपसरपंच, उपसरपंच जो होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, उसका चुनाव कैसा होता है? असरपंच। और एक गवर्नमेंट व्यक्ति अगर पूछेगा तो सरकारी कर्मचारी होता है वो कौन होता है? सचिव होता है। और सचिव होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार करती है। और एक सहायक सचिव भी होता है, और यहाँ पे एक ग्राम सभा भी होती है, तो ग्राम सभा का जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? सरपंच करता है। और इसकी बैठक जो होती है एक वर्ष में चार बैठक होती है, और उसी गांव के सबसे वरिष्ठ व्यक्तियों के समूह को ही हम क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत कहते हैं। क्लियर? क्लियर की नहीं हुआ बताइए, क्लियर। अब आ जाइए जनपद पंचायत में। हाँ थोड़ा सा ये लिख लीजिए, ग्राम पंचायत मध्य प्रदेश में कितनी है? 23,000 ग्राम पंचायत है भाई। कहां पर? मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, कहां पर? मध्य प्रदेश में, है ना। और लगभग डाटा मुझे अच्छे से क्लियर तो नहीं है, भारत में आप लोग एक बार चेक कर लेना, 6 लाख के आसपास ग्राम पंचायत हैं, ठीक है। लगभग लिख लीजिए, एक अच्छा शब्द है लगभग, उस पर अपना क्या रहता है? कंफर्म रहता है कि उसके आसपास की चीज है, ठीक है। अप्रोक्स करके लिख लीजिए 6 लाख। और हमारे अभी ये डाटा है करंट में 23,000 ही रखिए, क्योंकि अभी जो पंचायत चुनाव हो रहा है उसमें बताया गया है कि 23,000 ग्राम पंचायत में चुनाव होना है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं जनपद पंचायत ब्लॉक विकास खंड तालुका जिसे कहते हैं, और ये मध्य प्रदेश में कितनी है? कितनी है? 313 है भाई, ठीक है, 313 है मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब यहाँ पे 5,000 जनसंख्या हो गई, मतलब 5,000 जनसंख्या कैसे होगी? 4 से 5 गांव मिलाते हैं, और 4 से 5 गांव मिला के एक जनपद पंचायत बनता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? जनपद पंचायत, ब्लॉक विकास खंड तालुका सब बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे वार्डों की संख्या थोड़ी बढ़ जाती है, तो 10 से 25 हो जाती है, और उन वार्डों में जो होता है वो कौन होता है? पार्षद। पार्षद हो गया, ठीक है। अब पार्षद का जो चुनाव होता है वो क्या होता है? प्रत्यक्ष, क्योंकि मैंने बताया था एक वोट यहां जाती है, दूसरी यहां पे, तीसरी यहां पे, और चौथी सरपंच को, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो हो गया पार्षद, अब यहाँ पे क्या होते हैं? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बोला जाता है, ठीक है। तो लिखिए, एक होते हैं अध्यक्ष और एक होते हैं उपाध्यक्ष। थोड़ा रफ कर दीजिए। पार्षद का चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष। क्लियर? अब इसके बाद हमने देखा यहां पे भी क्या होंगे, एक अध्यक्ष बोला जाएगा, चेयरमैन, और एक होते हैं उपाध्यक्ष। वाइस चेयरमैन और चेयरमैन। तो यहां पे जो अध्यक्ष का चुनाव होगा वो कैसा होगा? अप्रत्यक्ष। याद रखना है आपको, क्या होगा? अप्रत्यक्ष। हमने सिर्फ यहां पे बस वोट डाला है, अब ये व्यक्ति जनपद पंचायत में जाके इसके लिए वोट नहीं डालेंगे, अध्यक्ष के लिए और उपाध्यक्ष के लिए, उनके लिए क्या करेगा? हमने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव कहां छोड़ दिया है? पार्षद को छोड़ दिया है। अब पार्षद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हमारे लिए चुनेगा। समझ में आ रहा है? मतलब जिसकी मेजोरिटी होगी, जैसे लोकसभा राज्यसभा के चुनाव में चलता है ना, लोकसभा के चुनाव में चलता है, आपने देखा होगा कि अगर बीजेपी की सीट बहुत ज्यादा है, जैसे विधानसभा चुनाव देख लीजिए, एमपी का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो यहां पर बीजेपी और कांग्रेस दो बड़ी पार्टी है, तो बीजेपी की अगर मेजोरिटी या बहुमत ज्यादा रही, मतलब जैसे लोकसभा की 29 सीट है, तो इस बार अगर लोकसभा का चुनाव जो हुआ था
2019 में, तो उसमें 28 सीट में कौन आई थी? बीजेपी, और एक सीट में आया था कांग्रेस। आई थी कि नहीं आई थी? अब इन लोग क्या करेंगे, तुम्हारे 28 जो सांसद थे वो किसके थे? बीजेपी के थे, और एक थे कांग्रेस के, तो मेजोरिटी किसकी बन गई? बीजेपी की। तो जो पीएम के लिए सबसे ज्यादा वोट गई तो ये अपनी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, तो क्या करेंगे, ज्यादातर ये वोट किसको दिया? ये पीएम मोदी जी को दिए। समझ में आ रहा है मेजोरिटी का? तो वैसे ही रहता है, अगर पार्षद जिसको चाहे, जिसकी मेजोरिटी रहती है वही क्या करेगा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनेगा। मगर इनका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि इनको हम डायरेक्ट नहीं चुन रहे हैं। ये कौन कर रहा है? पार्षद कर रहा है, जिसको हमने चुन के एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर बना दिया है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे लिख लीजिए, अध्यक्ष चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बाद एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, जो विधायक होते हैं, जो विधायक होते हैं जिला पंचायत, जो विधायक होते हैं ना, हाँ विधायक ही जो होते हैं, वो क्या होते हैं, इनके लिए भी मनोनीत हो सकते हैं, याद रखिए, वो भी इनके सदस्य होते हैं। जनपद पंचायत के सदस्य अगर आपसे पूछे, जो विधायक हैं, सांसद होते हैं उस एरिया के, वो भी इनके लिए क्या होते हैं, मनोनीत हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? जो उस एरिया के विधायक हैं, अगर कभी आपसे पूछ ले क्या जनपद पंचायत के सदस्य संसद या विधायक हो सकते हैं, तो आपको क्या बोलना है? हाँ हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इनके वो सदस्य बन सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे नारायण सिंह पट्टा है बिछिया से, तो वो भी बन सकते हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते सांसद है, वो भी बन सकते हैं, है ना। और क्या है, एक अशोक मस्कोले है निवास से विधायक, 3 सीट है ना, तो वो भी क्या करते हैं, वो भी बन सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ऐसे जितने भी अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष माने संसद है, विधायक है, वो सब क्या होते हैं, इसके क्या हो सकते हैं, सदस्य हो सकते हैं, और इसके भी सदस्य हो सकते हैं, मगर इसके नहीं। समझ में आ रहा है? चलिए, क्लियर। अच्छा, अब यहां पे भी एक सरकारी व्यक्ति रहेगा, एक सरकारी व्यक्ति रहेगा, कौन रहेगा, एक सरकारी व्यक्ति जो इसकी निगरानी करेगा। और अभी प्रावधान आ चुका है कि अब पंचायत में जो भी पैसे निकलते हैं, पैसे जो भी, जो फाइनेंशियल, जो भी ग्राम पंचायत के विकास के लिए जो भी पैसे आते हैं, उसमें यहां पे देख लीजिए, पार्षद, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सरकारी कर्मचारी जो भी रहेगा, सबकी साइन होना अनिवार्य है। माने जो पैसे, जो फाइनेंशियल कंडीशन जो वहां के विकास के लिए निकलते हैं ना, तो उनकी सबकी साइन होना उस पर उपस्थित है। ठीक है, जो सरकारी कर्मचारी यहां पर रहता है, कौन रहता है बताइए, कौन कौन? मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सीईओ, एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं इसको, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत का होता है। ठीक है, ये एमपीपीएससी क्लास 2 रैंक की पोस्ट होती है, एमपीपीएससी इसको सिलेक्ट करती है, मतलब लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। समझ में आ रहा है? लिख लीजिए इसको, मुख्य कार्यपालन अधिकारी। समझ में आ रहा है? और इसकी नियुक्ति कौन करता है, कौन करता है इसकी नियुक्ति बताइए, कौन करता है नियुक्ति? एमपीपीएससी क्लास 2 लेवल की पोस्ट होती है, 5400 पे ग्रेड। ठीक है, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। समझ में आया? तो जनपद पंचायत आप लोग को समझ में आ गया। मध्य प्रदेश में कितनी होती है, 313 होती है, जनपद पंचायत ब्लॉक विकासखंड तालुका जो बोले वही होता है। ठीक है, ये तालुका पुराना शब्द है, मुगलों टाइप में चलता था। उसके बाद 5000 जनसंख्या हो जाएगी तो हम एक जनपद बना देंगे। वार्ड 10 से 25 होते हैं यहाँ पे, जिनके हेड होते हैं पार्षद, जिनका चुनाव होता है प्रत्यक्ष, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का जो होता है वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। और यहाँ पे एक सरकारी कर्मचारी रहता है जिसका नाम होता है सीईओ, जिसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी कहते हैं। ठीक है, आप कभी जनपद कार्यालय जाओगे भी कहीं किसी जिले के, तो वहां पे लिखा भी होगा जो वहां का मेन हेड है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी। ठीक है, उनके अंडर में रहता है ये सब कुछ। ठीक है, और ये किससे नियुक्त होती है, एमपीपीएससी से नियुक्त होता है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? और मैंने बताया कि संसद विधायक भी इसके क्या हो सकते हैं, सदस्य हो सकते हैं। क्लियर, चलिए यहां तक क्लियर। अब लिखिए आप क्या, जिला पंचायत। अब लिखिए, मैंने बताया था जिला पंचायत के निर्माण कितने में होगा, 50,000 से अधिक।
50,000 से अधिक जनसंख्या, हमने क्या बना देंगे, एक जिला पंचायत बना देंगे। और जिला पंचायत बना देंगे तो यहां भी मैंने बताया था क्या होगा, 10 से 35 वार्ड होंगे और इनका जो हेड होगा वो कौन होगा, पार्षद। और इसका चुनाव भी कैसा होगा, प्रत्यक्ष। और यहां पे भी कौन होंगे, अध्यक्ष, और कौन होंगे, उपाध्यक्ष। कितनी जिला पंचायत है, पहले 51 जिले थे, अब 52 बन गए, तो 52 जिला पंचायत होगी। समझ में आ रहा है, कौन है अभी मंडला की जिला पंचायत अध्यक्ष, कौन है, पूर्णिमा शुक्ला। इस बार मंडला में डिंडौरी में नगर निकाय चुनाव नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हुए थे, अभी उनका पीरियड नहीं हुआ है 5 साल का, ठीक है, इसलिए मंडला में ग्राम पंचायत होंगे मगर मंडला डिंडौरी में कौन से चुनाव नहीं होंगे। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन 3 जिले जो है जहां पे नगर निकाय चुनाव नहीं होंगे, तो आपको याद रखना है मंडला डिंडौरी, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा, कंडीशन समझ आ रहा, क्योंकि इनका टेन्योर पूरा नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है, बताऊंगा मैं जब नगर पालिका पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है। तो इनके भी अध्यक्ष चुनाव क्या होगा, अप्रत्यक्ष, और उपाध्यक्ष का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, क्लियर। और यहां पर भी एक सरकारी कर्मचारी रहता है, कौन है, कौन होते हैं, अब यहां पर जो सरकारी कर्मचारी होगा वो भारत सरकार उसकी नियुक्ति करेगी, जिसका नाम है कलेक्टर, आईएएस, कौन होता है, आईएएस, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है, आर्टिकल 315 में इसके बारे में वर्णन है, 315 से लेके 323 तक भाग 14 में इसे ऑल इंडिया सर्विस कहा जाता है, जिसपे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस होते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है, तीन ही आती है, अखिल भारतीय सेवा, जो राज्यसभा के पास पावर है इन पोस्टों को बनाने का, लोकसभा के पास कोई पावर नहीं है, भारत की सबसे टफेस्ट एग्जाम कहा जाता है, जिसे कहा जाता है कौन सी, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, 1926 में एक ली आयोग आया था उसके तहत ये बना था, ठीक है, जिसका भी हाल ही में रिजल्ट भी आया है। तो आगे अभी प्रिपरेशन कर लीजिए और इसके बाद यहां तक जाइए, क्योंकि अगर जॉब है भारत में तो वो सिर्फ जॉब है, कौन सी, यही, तो आप अच्छा अपना एम में पहुंच जाओगे, इसके बाद ऊपर आपको यहीं तक जाना है, क्योंकि अगर सबसे ऊंची पोस्ट अगर देता है तो कौन देता है, सिविल सर्विस देता है, जो सबसे ऊंची पोस्ट मानी जाती है वो कैबिनेट सेक्रेटरी की मानी जाती है, राजीव गाबा जी हैं अभी भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी, बहुत जिम्मेदारी वाली जाती है, इन्हें पूरे अंग रक्षक कहा जाता है, मस्तिष्क कहा जाता है, जो योजनाएं बनती है, जो सब कुछ बनते हैं वो कौन बनाते हैं, मोदी जी नहीं, उनके पीछे बैठे हुए जो ब्यूरोक्रेट होते हैं ये बनाते हैं और पूरी योजना को सिर्फ इंप्लीमेंट करते हैं, जो पूरा दिमाग रहता है, पूरा मस्तिष्क रहता है, वो सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स के दिमाग रहते हैं, जो पूरे की पूरे भारत में जो सारी योजनाएं चल रही है और सब चीज इंप्लीमेंट हो रहे हैं, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जॉब होती है, 24/7 की जॉब होती है, मगर बहुत शानदार जॉब भी होती है ना। चलिए, तो यहां पर अगर आप देखिए जिला पंचायत की हम बात करते हैं, तो जिला पंचायत 5,000 से अधिक जनसंख्या पे बनती है, जहां पे वार्ड मेंबर 10 से 35 होते हैं, पार्षद का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, और यहाँ पे एक सरकारी कर्मचारी रहता है जिसका नाम है आईएएस, एक कलेक्टर बोल दीजिए आप, है ना। अगर इस पर देखा जाए तो उसकी नियुक्ति कौन करती है, केंद्र सरकार, भारत सरकार। यूपीएससी कौन कंडक्ट कराता है, 5 तारीख को उसका एग्जाम है, भारत सरकार कराती है, ठीक है। और यहां पे जो मैंने जनपद पंचायत में बताया था, सीईओ जिसकी कौन कराता है, राज्य सरकार, क्योंकि इसकी पोस्टिंग किससे होती है, वो सॉरी एनपीपीएससी से होती है, मतलब राज्य सेवा आयोग कराता है, और यहां पे यूपीएससी कराता है, यूनियन संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। ये आर्टिकल 315 में इसके बारे में वर्णन है, इसको 315 क्लॉज 1 में इसके बारे में वर्णन है, ठीक है। तो समझ में आया ये पूरा स्ट्रक्चर, कैसे क्या ग्राम पंचायत बनती है, कैसे जनपद पंचायत बनती है, कैसे जिला पंचायत बनती है, कौन वहां पर हेड होता है और कैसे कैसे इसका निर्माण होता है, क्लियर। चलिए आगे देखिए, किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है, कुछ समझ में नहीं आया हो, सबको आ गया, चलिए आगे लिखिए। अब देखिए, अब सरपंच की अब हम बात कर रहे हैं, सरपंच, ये बताइए सरपंच का टेन्योर या कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 साल का, लिख लीजिए। इसका जो कार्यकाल होता है या टेन्योर बोलते हैं इसको, तो कितने साल का होता है, 5 ईयर, 5 वर्ष,
पांच वर्ष का होता है, ठीक है। इसके चुनाव लड़ने की उम्र क्या होती है, वोट देने की उम्र कितनी है, 18 साल। तो चुनाव लड़ने की उम्र कितनी है, सरपंच का अगर चुनाव लड़ना है आपको तो कितनी एज चाहिए, कितनी कितनी, 21 भाई। सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए, सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष उम्र चाहिए, ठीक है, 21 वर्ष की उम्र चाहिए। अगर आप 21 साल के हो गए हो और आपके गांव के वोटर लिस्ट में नाम है और नहीं है तो फॉर्म नंबर 9 भर के निर्वाचन कार्यालय से आप वहां पे अपने आप को वहां पे बता सकते हो कि हम इस गांव के निवासी हैं, और 21 साल के हो गए हो आप तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। इसकी मैक्सिमम नहीं है, बस मैक्सिमम तो है ही नहीं इस देश में, किसी की है ही नहीं, ना एजुकेशन का क्वालिफिकेशन है ना ही कोई एज का है, ठीक है, वो तो है ही नहीं यहाँ पे। बस यहाँ पे क्या होता है, मिनिमम रख दिया है, न्यूनतम एज रख दिए गए, बस 21 साल अगर आप हो गए तो बस आप इस देश के नागरिक हो, जो आप क्या कर सकते हो, चुनाव सरपंच का चुनाव लड़ सकते हो। तो अगर 21 के हो गए हो तो अभी 6 तारीख तक चांसेस हैं, 6 जून तक अभी क्या हो रहा है, फॉर्म फिल हो रहा है, तो जाके अपना नामांकन भर दीजिए, और 20 तारीख शायद तक, 10 तारीख तक उसका श्रुति का है, वापस भी ले सकते हो, तो बढ़िया। 6 तारीख के भी 3-4 दिन बचे भी हैं, और आपको अब जानकारी हो भी गई है तो अपनी बर्थ आईडी लेके, अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसको लेके, और जाके आप फॉर्म भर सकते हो और उस गांव के सरपंच बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। चलिए, मगर एक कंडीशन, अगर सरपंच बनना है आपको तो आपका बिजली बिल पूरा पटा होना चाहिए। ये जो कंडीशन आई थी जो पंचायती राज अधिनियम में जब 2001 में आया, 2001 की जो 2001 में कुछ नियम चेंज हो गए इसमें, और बोला गया कि सरपंच अगर आपको बनना है तो उसके लिए कुछ आपको अहर्ता या शर्तें या टर्म एंड कंडीशन होनी चाहिए। आपका बिजली बिल कंप्लीट होना चाहिए, बिजली बिल। दूसरा, आपके गांव में शौचालय होना चाहिए आपके घर में। तीसरा, 2001 के बाद आपसे आपके दो ही बच्चे होना चाहिए, दो से अधिक बच्चे चुनाव नहीं लड़ सकते। जिनके अगर दो से अधिक बच्चे, 2001 के बाद अगर जिनके दो से अधिक बच्चे हैं वो चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा। ये सब कंडीशन है भाई। एक तो बिजली बिल पटा होना चाहिए, देख लेना, चेक कर लेना। उसके बाद शौचालय आपके घर में होना चाहिए। तीसरा, 2001 के बाद दो से अधिक बच्चे नहीं होना चाहिए, दो से अधिक बच्चे नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम दो हमारे दो का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप किसके लिए, सरपंच के लिए आप पात्र हो। और भी कंडीशन है मगर ये थोड़ी मेजर कंडीशन है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, उस गांव की वोटर आईडी में आपका नाम होना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही चले गए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, कि आपकी उस गांव में आपकी वोटर आईडी में आपका नाम होना चाहिए, ठीक है। हाँ, मकान टैक्स गांव में उतना नहीं लगता, ठीक है, वहां पे उतना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर ये कुछ ऐसी शर्तें उन्होंने रखा है, कुछ ऐसे मतलब ये क्या थोड़ा सा आइडल कहला जाते हैं गांव के, तो मतलब सरपंच के यहाँ ही शौचालय नहीं तो बाकी लोग क्या रखेंगे, तो ये थोड़ी सी जरूरत होती है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा उन्होंने इस टाइप की कंडीशन रखे हैं कि अगर वहां के थोड़े सरपंच की हालत ठीक है तो वो गांव की स्थिति कुछ और भी ठीक हो जाएगी। कंडीशन समझ में आई, तो ये कुछ मेजर कंडीशन है, 2001 के बाद ये चेंज किया गया, ठीक है। अब ये तो हो गया सरपंच का, अब सरपंच का चुनाव हो गया। अब सरपंच चुनाव का मैंने आपको बता दिया, अगर इसकी मृत्यु हो जाती है, कोई कंडीशन आ जाती है, तो इसकी जगह 6 महीने के अंदर हम चुनाव करा के उप सरपंच को वहां पर नियुक्त कर सकते हैं। ये तो हो गया। अब इसके बाद अब चुनाव सरपंच को हटाने की प्रक्रिया, अब सरपंच तो हमने बना दिया, अब सरपंच को अगर हमें हटाना है, अगर उसे हमें हटाना है तो हम क्या कंडीशन लगाएंगे, तो देखिए सरपंच को हटाने के लिए दो कंडीशन है। सरपंच को हटाने की प्रक्रिया, क्या प्रक्रिया है, एक होता है राइट टू रिकॉल, क्या होता है राइट टू रिकॉल, और एक होता है अविश्वास प्रस्ताव, नॉन कॉन्फिडेंशियल बिल कहते हैं इसको, या मोशन कहते हैं, नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन। ये दो तरीके से हम क्या करते हैं, हम सरपंच को उसके पद से हटा सकते हैं। राइट टू रिकॉल क्या होता है, जैसे आपने चुना, वोट देके आपने सरपंच को चुना,
उसी तरह आप क्या होंगे, अच्छे से वो काम नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा, तो कुछ लोग की मेजोरिटी आएगी और वो राइट टू रिकॉल का यूज करके क्या करेंगे, सरपंच को अपने पद से हटा देंगे। और ऐसा पहली बार मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिले की एक महिला सरपंच जिसका नाम है पल्विका पटेल, उसको राइट टू रिकॉल के तहत हटाया गया है पूरे भारत में, पहली महिला, क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो लिख लीजिए, राइट टू रिकॉल से हटने वाली पहली महिला भारत की थी ना, ये मध्य प्रदेश की भी पहली महिला, क्या नाम है, पल्विका पटेल। ये अनूपपुर से आती हैं, अनूपपुर के किसी गांव की सरपंच थी और इनको हटाया गया था राइट टू रिकॉल से। इंपॉर्टेंट है, आपके मध्य प्रदेश से है। ठीक है, राइट टू रिकॉल का उपयोग करके जिस तरह हम उसको पद में लाते हैं उसी तरह हम फिर से बूटिंग देते हैं, क्या राइट टू रिकॉल के तहत हम क्या करते हैं, सरपंच को अपने पद से हटा सकते हैं। और इसका प्रयोग पूरे भारत में हमारे यहाँ के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट की एक महिला है जिसका नाम है पल्विका पटेल, नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हटाया गया था। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव। जिस तरह हमने अपने किसको चुनते हैं, पंचों को, जिस तरह हमने पंचों को चुनते हैं ना प्रत्येक चुनाव की, उसी तरह हमारे पंच क्या करते हैं, 3/4 से अगर वोट पास कर दिए किसके खिलाफ, सरपंच के खिलाफ, तो सरपंच उस पद को अपने आप त्याग देगा। मतलब अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, ये उस पर भी आता है, लोकसभा में भी आता है। सबसे पहले इसका उपयोग किए थे जेपी कृपलानी, किसके लिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए खिलाफ, जब उन्होंने किया तो उन्होंने साबित नहीं करवा पाया, 2/3 से वोटिंग करवाना था उनको और 2/3 से उनको क्या हुई, वोटिंग मिली नहीं। तो जो हमारे लोकसभा में चलता है, अगर ऐसी वोटिंग नहीं हुई तो जो विपक्ष जो लाता है, जो लाता है उसको अपने पद से त्याग देना पड़ता है। फिर जेपी कृपलानी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था, समझ में आ रहा है। मगर यहां ऐसा नहीं है, यहां पे बस आपको क्या, 3/4 से अगर वोटिंग मिल गई, मतलब अगर गांव में अगर हमने देखा 10 से 20 क्या होते हैं पंच होते हैं, और अगर 3/4 से अगर हमने 20 लोग हैं वहां पे पंच, तो 4 कितना होता है, 15 लोग अगर वोट दे दिए, क्या दे दिए, 15 लोग अगर वोट दे दिए कि हमें कोई एक पर्सन है ए करके सरपंच है उसको हमें हटाना है, तो वो अपने पद से त्याग कर देगा। समझ में आया, ये दो तरीके हैं जिसके तहत हमने सरपंच को उनके पद से हटा सकते हैं। क्लियर, समझ में आया, राइट टू रिकॉल और एक अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव याद रखना 3/4 से वोटिंग होनी चाहिए, समझ में आ रहा है ना, 3/4, 15 लोग अगर, राइट टू रिकॉल एक पावर है, उसके तहत आप क्या, उनकी कोई गड़बड़ी पाई आपने या कुछ आपको समझ में आया कि अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो राइट टू रिकॉल करके आप यूज कर सकते हैं। एक RTI होता है, 2005 में एक एक्ट आया जिसमें सरकारी कर्मचारी क्या कर रहे हैं उनका पूरा ब्यौरा के बारे में पता कर सकते हैं, वैसे एक राइट टू रिकॉल है। उसके बाद ही वहां के जो लोग हैं वो राइट टू रिकॉल का यूज करके, वहां पर उनके कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उसका प्रावधान है, उसके तहत अगर जो उस पर पूरा प्रावधान है उसका, उसके तहत अगर वो गड़बड़ आ रहे हैं कौन, सरपंच जी वहां के, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, पद से हटा सकते हैं। ठीक है, बस आपको याद रखना, एक राइट टू रिकॉल और एक अविश्वास प्रस्ताव, नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन, इसके तहत हम क्या करते हैं, सरपंच को उसके पद से हटा सकते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। क्वेश्चन आता है अविश्वास प्रस्ताव कितना, 3/4 से, कितने बटे से, 3/4 से। और ये बताइए मुझे, मैंने बताया कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले पंचायत चुनाव कब हुए थे, बताया हूं कि नहीं बताया हूं, नहीं बताया, लिख लीजिए 1965, एक फैक्ट लिख लीजिए, याद आया, मध्य प्रदेश में प्रथम पंचायती चुनाव 1965, किससे युद्ध लड़ रहे थे हम, पाकिस्तान से, और जनपद पंचायत का चुनाव 1971। बस जब जब पाकिस्तान से हमने युद्ध लड़ा तब तब हमने प्रथम पंचायती चुनाव करा और फिर उसके बाद जनपद पंचायत का चुनाव हुआ। आया समझ में, चलिए अब इसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखिए जो पंचायती राज में हमने बारे में है। अब इसमें कुछ आर्टिकल का प्रावधान किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, किसके तहत आरक्षण मिलता है, किसके तहत ग्राम सभा बनती है,
अभी एकदम करंट का टॉपिक है, आपका कोई भी एग्जाम ले लीजिए पक्का है यहां से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि एकदम करंट का टॉपिक चल रहा है। और मेरे ख्याल से पंचायती राज ऑलरेडी 2 साल डिले है, 20 में हो जाना था, ये 2 साल ऑलरेडी डिले है, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या देखिए, अब इसके लिए मैंने बताया था कि भाग 9 में पार्ट 9 के आर्टिकल या अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक पंचायती राज का भाग 9 है, ठीक है, भाग 9 में, भाग 9 में आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक जो 22 पार्ट होते हैं ना, 22 पार्टों में ये सबसे बड़ा भाग है। लिखिए पहला क्वेश्चन, सबसे बड़ा भाग है संविधान का, सबसे बड़ा भाग है, ठीक है। 9, फिर 9A में हम क्या करेंगे, 9A में क्या दिया गया है, नगर निकाय को जोड़ा गया है, तो 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पढ़ेंगे। और फिर 9B में क्या दिया गया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारिता के बारे में वर्णन किया गया है, इसको लिख लीजिए यहां से। भाग 9 में क्या दिया गया है, 243 ओ तक के आर्टिकल दिए गए हैं। फिर इसका क्या होता है, भाग 9A में क्या दिया गया है, जो हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, नगर निकाय लोकल म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में दिया गया है, नगर निकाय या लोकल म्यूनिसिपैलिटीज, है ना, 9A में दिया गया। और इसके आर्टिकल कितने हैं, 243P से लेके 243ZZ। और इसके बाद इसी का एक और भाग है, भाग 9B, 9B में क्या दिया गया है, सहकारिता के बारे में दिया गया है, सहकारिता या आप बोल सकते हो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में दिया गया है। इनको जोड़ा गया है ना, इसलिए आप देखिए 9A 9B आ रहा है। और ये जो आर्टिकल में आते हैं वो क्या आते हैं, 243ZH से लेके 243ZT तक आते हैं, क्वेश्चन पूछ लेता है, समझ में आ रहा है, कंफ्यूज नहीं होना। 9A में दिया है जो अपन पढ़ रहे हैं पंचायती राज, 243 से 243 ओ, 9A में सब क्लॉज A में नगर निकाय लोकल म्यूनिसिपैलिटीज 243P से लेकर 243ZZ। और भाग B में दिया गया है सहकारिता कोऑपरेटिव सोसाइटीज 243ZS से लेकर 243ZT तक, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम डिस्कस करेंगे 243 को, इसके अंदर जो पंचायती राज से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद है, ठीक है, चलिए लिख लीजिए। चलिए लिखिए, हो गया, लिखिए आर्टिकल, सबसे पहले लिखिए। अब देखिए हमारा जो भाग 9 है उस पर आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ तक में वर्णन है, मगर हमें मेजर, सिर्फ मेजर देखना है कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट है ना। लिखिए सबसे पहले 243A, 243B, C, D, E, पहले ए तक लिख लीजिए। इसमें क्या बोला गया है, 243A में ग्राम सभा के बारे में बात किया गया है, ग्राम सभा के बारे में बात किया गया है 243A में, क्या कहा गया है, ग्राम सभा के बारे में मेंशन है। 243B में क्या किया गया है, ग्राम पंचायत का गठन के बारे में बात किया गया है। और मैंने बताया था एक आर्टिकल 40 भूल गए, अनुच्छेद 40 में भी पंचायती राज के गठन के बारे में बात किया गया है, ये आर्टिकल है। और ये 243 माने ग्राम पंचायत का गठन 243 क्लॉज बी के तहत होगा, 243C के तहत क्या होगा, है ना, ग्राम पंचायत की संरचना, ग्राम पंचायत की
संरचना के बारे में बात किया गया है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम पंचायत, यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्राम पंचायत और यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम पंचायत, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करके लिखिए। पंचायती राज में जो आरक्षण की व्यवस्था है, क्या पंचायत में आरक्षण मिलता है ना, जो मुद्दा चल रहा है अभी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट करके लिखिए, पंचायत में आरक्षण या रिजर्वेशन तो लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट करके लिखिए, वो किसके तहत मिलता है, 243D के तहत, किसके तहत मिलता है, 243D के तहत, बिल्कुल मत भूलना इसको। के तहत पंचायतों में आरक्षण जो बहुत अभी बहुत ज्यादा चर्चित में है, यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के केस लगे गए थे इस पर, ठीक है। अब पंचायती पंचायत में जो आरक्षण वो 243D के तहत मिलता है, ठीक है। अब आप लोग को मैंने बताया था पंचायती राज अधिनियम 2007 के तहत महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य था मध्य प्रदेश, बताया था, और 33% जो आरक्षण मिलता है वो 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के तहत मिला था, ठीक है। अब जो महिलाओं को यहाँ पे आरक्षण मिलता है वो किस चक्र में मिलता है, तो क्या चक्रीय, ये साइक्लिक प्रोसेस में मिलता है, कैसे, देखिए मान लो ये अगर अपना क्या है, अब देखिए महिलाओं को यहां पे आरक्षण है, मतलब क्या होगा, एक साल महिलाओं की सीट रहेगी, ठीक है, उसके अगले बार एससी की सीट रहेगी, उसके अगली बार एसटी की सीट रहेगी, मतलब एक साइक्लिक चक्र में चलता है, ये नहीं कि हर बार महिलाओं की सीट रिजर्व है, एक साल महिलाओं की सीट रहेगी, एक साल कोई एससी की सीट रहेगी, एक साल एसटी की सीट रहेगी, एक साल कोई ओबीसी की सीट रहेगी, एक साल कोई जनरल की सीट रहेगी, ये साइक्लिक ऑर्डर में चलता है, ऐसा नहीं कि हर साल 5 सीट क्या है रिजर्व है महिलाओं के लिए, ऐसा नहीं चलता, पूछता है चक्रीय विधि में आरक्षण मिलता है यहां पर, चक्रीय लिख लीजिए, चक्रीय विधि में ये साइक्लिक ऑर्डर में मिलता है, साइक्लिक ऑर्डर में रिजर्वेशन मिलता है, क्वेश्चन पूछा गया है, मेरी बात समझ में आ रही है, कैसी, हर साल महिलाओं के लिए ऐसे 5 से 6 सीट जब जब चुनाव होते हैं तो ऐसी सीट रिजर्व नहीं होती, एक साल महिला की सीट, एक साल एससी की सीट, एक साल एसटी की सीट, एक साल ओबीसी की सीट, एक साल जनरल की सीट, फिर आ जाएगा महिला की सीट, फिर आ जाएगा एससी की सीट, एसटी की सीट, समझ आ रहा है, इस तरह माने चक्रीय विधि में यहां पे क्या मिलता है, आरक्षण प्राप्त होता है किनको, महिलाओं को और जो भी वहां के मेंबर हैं। तो आरक्षण की विधि जो पंचायती राज में है, जो 243D के तहत कहा गया है, वो किस पे मिलता है, चक्रीय विधि में मिलता है, किस पे मिलता है, चक्रीय विधि में मिलता है, क्लियर, चलिए लिख लीजिए, हो गया। अगला आर्टिकल लिखिए ई, ई क्या कहता है, ई क्या कहता है, इसका कार्यकाल बताता है, कार्यकाल टेन्योर कितने साल का होता है, 5 वर्ष का, ठीक है। इसके बाद जी लिखिए, जी, जी क्या करता है, पंचायत को शक्तियां देता है, ठीक है, क्या देता है, पंचायत की शक्तियां के बारे में वर्णन है, पंचायत की शक्तियां, पावर ऑफ पंचायत, पंचायत की शक्तियां के बारे में है जी। और एच के तहत लिखिए, एच भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर लगाता है, टैक्स लगाता है, क्वेश्चन आ चुका है कि गांव को किससे कर मिलता है, तो जो वहां पे मेले लगते हैं, जो यहाँ पे आपने हाट बाजार सुना होगा, है ना, छोटे छोटे मेले, छोटे छोटे रूप में कुछ होता है, तो जो होता है तो उससे किससे मिलते हैं, पंचायत को क्या मिलता है, कर मिलता है, तो कर किसके तहत लगा सकती है पंचायत, 243 के एच, 243H के तहत कर लगाने का, ये टैक्स लगाने का प्रावधान है, कर का प्रावधान है, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्या क्या बता दिया मैंने, ए बी सी डी ई, और इसके बाद मैंने बता दिया क्या, जी, जी में क्या है, पंचायत की शक्तियां, समझ में आ रहा है, पावर ऑफ पंचायत, क्या क्या उसका काम है, क्या क्या उसके फंक्शन है, क्या क्या उसके कर्तव्य है, किस पर दिया गया है, जी में, और एच में क्या लगाया गया है, कर, यह टैक्स लगाने का प्रावधान दिया गया है, टैक्स, ठीक है। क्वेश्चन आ चुका है, जो मेले होते हैं उससे किसको टैक्स मिलता है, गांव को मिलता है, आपने यहां सुना होगा मेले लगता है कहां पे, हृदय नगर का, जो जनपद पंचायत है वहां पे, वहां पे क्या होगा, उसका टैक्स कहां पे जाता है, मंडला को, वहां की जनपद पंचायत को जाता है,
जनपद पंचायत क्षेत्र है ना, मैंने बताया मेला है, ये जो भी बाजार लगती है उनसे छोटा बहुत टैक्स लिया जाता है, उनसे किसको मिलती है और किस पावर के तहत लगा सकती है पंचायत, 243 क्लॉज एच के तहत। समझ में आ रहा है? अगला लिखिए आई, लिखिए बहुत इंपॉर्टेंट, आई बहुत इंपॉर्टेंट है, 243 आई। क्या है आई में? राज्य वित्त आयोग के बारे में वर्णन किया गया है। अब फाइनेंशियली कंडीशन, पैसे कहां से मिलते हैं पंचायत को, तो वो पावर देता है 243 आई। 243 आई के तहत राज्य वित्त आयोग के बारे में बताया गया है, जो कि पंचायती राज को, पंचायत को फंडिंग करता है। किसको करता है? पंचायत को फंडिंग करता है, ठीक है, पंचायत को पैसे देता है। कौन? आई। और इसी में एक आर्टिकल आता है वाई, वाई क्या करता है, वो राज्य वित्त आयोग किसको देता है? नगर निकाय को देता है, नगर निकाय को फंडिंग करता है, फंडिंग देता है। समझ में आ रहा है? माने 243 आई में राज्य वित्त आयोग के बारे में वर्णन किया गया है। समझ में आ रहा है? एक केंद्र का वित्त आयोग होता है जो अनुच्छेद 280 के तहत आता है, और राज्य का वित्त आयोग अगर आपसे पूछेगा तो 243 आई, ठीक है, समझ में आ रहा है, 243 आई। तो 243 आई के तहत ग्राम पंचायत को देता है राज्य वित्त आयोग, जो अपने पैसे रहते हैं उनके वहां के विकास के लिए, वो कौन देता है? 243 आई के तहत। मगर हम नगर निकाय पढ़ेंगे तो वो वाई के तहत देता है, 243 वाई के तहत नगर निकाय में देता है। मेरी बात सब समझ आ रहा है? समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अब देखिए यहां पे लिख लीजिए अनुच्छेद 280 में केंद्र वित्त आयोग के बारे में वर्णन है। लिख लीजिए यहीं पे केंद्र वित्त आयोग, सेंट्रल फाइनेंशियल कमीशन के बारे में वर्णन अगर कभी पूछेगा किस अनुच्छेद में है, तो क्या बोलोगे आप? 280 में, सेंट्रल फाइनेंशियल कमीशन, ठीक है। कौन थे पहले हेड, कोई बताएगा मुझे? केंद्र वित्त आयोग के सबसे पहले हेड कौन थे, कोई बताएगा? कोई नहीं बताएगा। केसी नियोगी जी थे। कौन थे? केसी नियोगी जी थे, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। पहले फाइनेंशियल कमीशन के जो हेड थे वो कौन थे? केसी नियोगी थी, केसी नियोगी जी थे। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। 5 साल का टेन्योर होता है केसी नियोगी जी है, ठीक है। और अभी वर्तमान में कौन है, कोई बता देगा? कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? सब क्वेश्चन आते हैं 14वें वित्त आयोग। 14वें वित्त आयोग के हेड अभी कौन थे? वाई बी रेड्डी जी। और रेड्डी आ रहा है मतलब ये आंध्र प्रदेश के होंगे, साउथ के हैं, ठीक है। और अभी 15वां वित्त आयोग, अच्छा इसका टेन्योर सुन लीजिए, इसका टेन्योर कौन सा था? 2015 से 2020, 5 साल का होता है। और 15वां वित्त आयोग चल रहा है अभी, 15वां वित्त आयोग चल रहा है। और 15वां वित्त आयोग में कौन है अभी? एनके सिंह साहब है, और इनका टेन्योर है 2020 से 2025। समझ में आ रहा है? ये केंद्र की बात कर ली। अभी क्या करते हैं, ये राज्यों को, राज्य और केंद्र के बीच में वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। केंद्र सरकार कहा गया 280 में जो केंद्र वित्त आयोग होता है, इसका काम क्या रहता है? ये केंद्र और राज्यों में वित्त का काम करते हैं। जैसे हमारे यहाँ का जो है राज्य वित्त आयोग, ये करते हैं पंचायत और नगर पालिका होती है उनको वित्त का सहायता प्रदान करती है, वैसे क्या करते हैं ये माने सेंट्रल में जो केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तों की सहायता प्रदान करने का काम कौन करता है? केंद्र वित्त आयोग, जिसके 280 में वर्णन है। पहले चेयरमैन है, अगर पहले अध्यक्ष पूछेगा, फर्स्ट चेयरमैन ये पहले अध्यक्ष कौन है? केसी नियोगी जी हैं। कौन है? केसी नियोगी जी हैं। 14वें वित्त आयोग के कौन थे? वाई बी रेड्डी जी थे। और अभी 15वें वित्त आयोग के एनके सिंह चल रहा है। उनका टेन्योर याद रख लेना, क्योंकि टेन्योर में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इनका कार्यकाल 5 साल का रहता है, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं, ठीक है, समझ में आया। और इसी तरह हमें बात करना है हमारा राज्य वित्त आयोग, जो कि अनुच्छेद 243 के आई के तहत बात करता है, और जो कि आई के तहत पंचायतों में फंडिंग करता है या वित्तीय सहायता प्रोवाइड करता है, और वाई के तहत नगरीय निकाय में करता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हमारा राज्य काय में 243 आई में है, ठीक है। हमारे राज्य वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, बताइए? राज्य वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले तो मुझे ये बताइए राज्य वित्त आयोग कब बना, कब बना राज्य वित्त आयोग? देखिए मध्य प्रदेश में कंफ्यूजन बहुत सी चीज है, यहां पे सिर्फ कंफ्यूजन ही भरा हुआ है और कुछ नहीं। एक पूछेगा वित्त निगम, पूछेगा
फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन पूछेगा तो 1955 में बना था, जिसका हेडक्वार्टर इंदौर है। मैंने क्या बोला, वित्त निगम। वर्ड को एकदम अच्छे से सुनिए, वित्त निगम, फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वित्त निगम 1955, हेडक्वार्टर इंदौर, ठीक है। उसके बाद ये आयोग है, ये कमीशन है, राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंशियल कमीशन 1994, 14 जून 1994 को बनता है, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ है यहां से, 14 जून 1994 को बनता है, ठीक है। तो ये हर 5 साल में बनना शुरू हुआ था, ये भी 5 साल का टेन्योर रहता है। तो अभी क्वेश्चन आया था 2020 में, कौन सा वित्त आयोग का समय चल रहा है, तो कौन सा बोलोगे, पांचवा। तो पहला वित्त आयोग के जो थे हमारे यहाँ पे कौन थे, कौन थे, जिनके पास बहुत पैसा होगा वो क्या होंगे, शीतल होंगे, तो शीतल सहाय कौन थे, फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे भाई, जिनके पास बहुत पैसा रहेगा वो क्या रहेंगे, शीतल रहेंगे ना, शांत माइंड से रहेंगे, तो शीतल सहाय। और अभी वर्तमान में कौन है, पांचवे अध्यक्ष कौन है, अब जिनके पास पैसे हैं उनके पास हिम्मत भी होगी, हिम्मत होगी कि नहीं होगी, तो बोल दीजिए हिम्मत कोठारी। और कोठरी में ही तो रखेंगे ये पैसे, कहां रखेंगे, जिनके पास हिम्मत है वही तो कोठरी में रखेंगे पैसे, समझ में आया। तो ये है, तो क्वेश्चन आया था 2020 में, जो राज्य वित्त आयोग, जब पांचवे वित्त आयोग बने तो कौन से नंबर के हैं, तो आपको बताना पड़ेगा ये पांचवे अध्यक्ष है कौन से, हिम्मत कोठारी, ठीक है, समझ में आया। तो हमने ये किसकी बात कर ली, राज्य वित्त आयोग की बात कर ली, केंद्र वित्त आयोग की बात कर ली, क्या काम करती है और किसके तहत वो, किस किस आर्टिकल के तहत हमारे पंचायती राज को फंडिंग करती है और नगर निकाय को, मतलब लोकल म्यूनिसपालिटीज को करती है। मैंने आपको उसके साथ केंद्र का भी बता दिया कि वहां पे भी क्या करती है, कौन इसकी नियुक्ति है, कि यहाँ पे नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, यहाँ पे कौन करेगा, राज्यपाल। राष्ट्रपति का छोटा भाई राज्यों में कौन होता है, राज्यपाल, तो उसको दे देता है पावर कि आप संभालिए यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया क्लियर। अब हमारा एक आर्टिकल और बचा, 243K, बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या कहता है, राज्य निर्वाचन आयोग का पावर है जिसके तहत वो पंचायती राज को चुनाव कंडक्ट कराता है, वो पावर देता है 243K। क्वेश्चन आएगा, ये दो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक तीसरा कौन सा, 243D आरक्षण का, क्योंकि तीनों मुद्दे बहुत चल रहे हैं, कल मैं कुछ बताऊंगा आपको आरक्षण के बारे में, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये तीन आर्टिकल आपको एकदम रटना है, 243D पंचायती राज में आरक्षण मिलता है, और 243T के तहत, हम जब नगर निकाय पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा आपको, नगर निकाय में महिलाओं को आरक्षण किसके तहत, वो रिजर्वेशन की बात किस पे की जाती है, 243T के तहत, यहाँ पे डी के तहत, 243I के तहत यहाँ पे वित्त, और वहां पे 243Y के तहत, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे राज्यों का जो चुनाव होता है, जो पंचायती राज का चुनाव करवाता है कौन, राज्य निर्वाचन आयोग, सीधे क्वेश्चन आएगा, पंचायती राज कौन कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग कौन से आर्टिकल के तहत कराता है, 243K के तहत, और वहां पर नगर निकाय का चुनाव जो कराता है वो कौन कराता है, ZH के तहत कराता है, पंचायती राज ही वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, और कौन से आर्टिकल के तहत, ZH, ठीक है, हम उसको नगर निकाय में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया आप लोग को, चलिए बाकी हम कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, थैंक यू।